कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलाईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। नमस्कार दोस्तों, मैं ड्राइंग अनुदेशक प्रेम शंकर वर्मा, मैं पावन नगरी काशी के JS ITI पलेपट्टी से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी दिए गए ब्लॉक को आपको चेंज करना है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। तो कैसे नहीं दिया है, तो इसे हम मान लेंगे कि इसको ब्लॉक को हम चेंज करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस ब्लॉक को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल आपको पता है, जिधर देखते हैं उधर ही बनाते हैं, यानी लुक एंड ड्रॉ। यानी अगर हम देखेंगे दाएं से तो मेरा फ्रंट दाएं ही बनेगा, कहाँ बनेगा, दाएं। हम देख रहे हैं दाएं तो मेरा फ्रंट दाएं बनेगा, और XY जो होती है क्षैतिज लाइन उसके नीचे बनता है, तो मेरा फ्रंट दाएं बन गया, ठीक। और इसके जस्ट ऊपर आपका बन गया टॉप व्यू, और इसके बगल में बन जाएगा आपका साइड व्यू। अब आइए निकाल लेते हैं इस ब्लॉक की टोटल साइज, लंबाई देखते हैं। तो जिधर मानते हैं हम फ्रंट, उस वाले साइज को मानते हैं लंबाई। तो लंबाई देख लीजिए, यहाँ पर 60 60 15 ऐड कर देंगे तो 135 mm इसकी लेंथ आ जाएगी। ऐसे इधर से मान लेंगे हम चौड़ाई, तो ये 15 25 है, ये नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, टोटल चौड़ाई कितना दिया है, 60 mm, ठीक है। सभी साइज आपके mm में है। ऐसे हाइट देख लेंगे, हाइट आपका यहाँ पर 15 30 35 ऐड कर देंगे तो पर है शायद 80 mm आ जाएगा। तो आपकी लंबाई 135, चौड़ाई 60 mm और ऊंचाई 80 mm। फ्रंट में आपको लंबाई और ऊंचाई देखेगी, लंबाई की साइज 135 और ऊंचाई 80 mm है। तो हम लंबाई 135 इस पर काट लेंगे और 80 इस पर काट लेंगे। ऐसे टॉप में आपको लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, जिसकी साइज 135 और 60 होगी, 135 यहाँ हो जाएगा और 60 mm यहाँ हो जाएगा। ऐसे हमारा साइड में चौड़ाई और ऊंचाई दिखेगी, जिसकी साइज 60 by 80 है, तो 60 इस पर काट लेंगे और 80 इस पर काट लेंगे। इस तरीके से मेरा फ्रंट, टॉप और साइड का एक आयता का ब्लॉक तैयार हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं फ्रंट में, फ्रंट में इसे हम देखेंगे इस साइड से। तो देखिए आपको एक सीधा आयत यहाँ पर ऐसा दिखेगा आकृति, ठीक है। तो कितनी इसकी चौड़ाई है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसे हम मान लेते हैं 15, ठीक है। अगर आपकी डेटा छूट जा रही है तो आप सूटेबल डेटा मान करके प्रश्न को हल कर देंगे, ठीक है, नहीं कि उसको लेकर के हम परेशान हो जाए। आपको सूटेबल डेटा कुछ भी अंक 15 20 मान करके आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 15 का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 ए हमारा दिया है साइज 20, इसमें से 5 लेस करके हम 15 mm पर सीधा लाइन ड्रा कर देंगे, 15 mm हाइट पर सीधा लाइन ड्रा कर देंगे। ऐसे इधर भी इस साइड से ए 15, शायद 15 पर ही था, 15 लेकर के हम सीधा लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक, 15 पर ड्रा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक लाइन आपकी 45 पर है, एक लाइन 45 पर है, तो यहाँ से देखिए 35 mm पर, यहाँ से 35 mm हम काउंट कर लेंगे, ऊपर से 35 mm, ए 20 और इसका 15, 35 mm, ठीक है, ऊपर से 20 इसमें से 15, 35 mm पर हम क्या करेंगे, 45 पर एक लाइन झुका देंगे, कितने पर, 45, ए 45 है तो ए भी आपका 45 ही होगा, ए 90 का बन जाएगा, ठीक है। तो 45 पर हम क्या करेंगे, एक लाइन झुका देंगे, कितने पर, 45 पर, ठीक है, 45 पर एक लाइन झुका देंगे, बाई चादा या सेट स्क्वायर में आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, ध्यान रहे दोस्तों,
यहाँ से इसकी डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है 35। 35 पर हम 45 पर झुका देंगे, ठीक है, ये झुक जाएगा। अब देखिए इधर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, कितने पर कटा हुआ है जोड़ लेंगे इसको, 60 और 15, ठीक, 75, या हम इस साइड से 60 mm छोड़ दें, इस साइड से हम 60 छोड़ देते हैं, तो 20, 40, 60, इसी के सीध में हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रा कर देंगे 60 mm पर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा ऐसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब आपको ए पार्ट दिखेगा, ठीक है, यहाँ से तो इसको हम लाएंगे सीधा, ए इसको ऐसे कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका कोना यहाँ पर कर्व टाइप है, क्या है, कर्व टाइप। तो हम कंपास में कितना भरेंगे, रेडियस दिया 45, कंपास में हम 45 भर लेंगे, कितना 45, ए आपका 20 है, ए 20, 40 और 5 इसमें से लेंगे, 45 पर एक सीधा लाइन लाएंगे नीचे, ऐसे इधर भी लाएंगे लाइन नीचे 45 पर, और कंपास में यहीं साइज टेक ओवर कर लेंगे 45, इसी को सेंटर मान करके हम क्या करेंगे, मूव करा देंगे, इसी को सेंटर मान करके मूव करा देंगे बाई कंपास, ये आपका कर्व बन जाएगा, ठीक है, बाई कंपास मूव करा देंगे कंपास में 45 टेक ओवर करके, और इसको हटा देंगे हम, और इस वाली लाइन को भी हम हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके का हमारा फ्रंट दिख रहा है, ठीक है, यानी ये आपका ऐसा कर्व टाइप यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे टॉप व्यू। तो देखिए टॉप व्यू इधर से देखेंगे तो आपको 15 की और ए बी साइज 15 दिया है, तो 15 का आपको एक एल टाइप दिखेगा, यानी इसी के सीध में 15 mm, ठीक है, इसी के सीध में 15 mm, यहाँ भी हम ए 20 का है 5 कम कर लेंगे, 15 mm पर सीधा लाइन ड्रा कर लेंगे 15 mm पर, ठीक। जब हम इसे 90 अंश पर देखेंगे तो आपको कर्व नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, एकदम सीधा आयत दिखेगा, क्या सीधा आयत दिखेगा, ऐसा, तो हमें सीधा आयत यहाँ पर दिख गया, ठीक है। अब जब हम ऊपर से देखेंगे तो आपको ए वाला पार्ट भी दिखेगा और ए वाला पार्ट दिखेगा, तो ए वाला पार्ट देखिए यहाँ से 25 पर सीधा लाइन जाएगा, कितने पर, 25 पर, ए 5 है, ए 20 है, 25 पर सीधा लाइए, 25 पर सीधा लाइन कहाँ तक, इस लाइन तक, आपका यह लाइन यहाँ पर है, यह लाइन यहाँ पर है, यानी इसी के सीध में, ठीक है, इसी के सीध में आप लाइन लाएंगे, इसी के सीध में, ठीक है, ऐसा इसको नीचे ला करके इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर कर्व बनाना है, क्या करना है, कर्व बनाना है, तो कह रहा है कि रेडियस 15 का है, रेडियस 15 का है, तो इस पॉइंट से 15 इधर चले जाएंगे और इस पॉइंट से 15 इधर, हम क्या करेंगे नीचे ऐसे चले आएंगे, और कंपास में सेंटर इसको मान करके कंपास में दूरी भर करके इसको हम क्या करेंगे, कर्व मिला देंगे, ठीक है, कर्व मिला देंगे और इसको हम हटा देंगे, ठीक, ओके, ठीक है, हम कर्व मिला देंगे ऐसे, यहाँ से कुछ आपका सीधा रहेगा 5 mm तक, उसके बाद कर्व रहेगा। अब ऊपर से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर भी आयत दिखेगा, ठीक है, ए आयत इसी के सीध में, ठीक है, जो 45 वाला झुक करके आया है लाइन, इसी के सीध में यहाँ पर, इसी के सीध में यहाँ पर, ठीक है, इसी के सीध में हम यहाँ पर एक लाइन ऊर्ध्वाधर ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेरा टॉप व्यू कन्फर्म हो गया,
और ये आपकी लाइन एक्स्ट्रा है, इसे हम हटा देते हैं। अब हम बनाते हैं साइड व्यू। देखिए साइड व्यू में हम इधर से देखेंगे तो आपको एक एल दिखेगा, एक एल दिखेगा, ठीक है, एक एल दिखेगा। कितने का? 15 15 का। ए आपका 20 है, 5 छोड़ करके नीचे लाएंगे, फिर इधर भी 5 छोड़ करके इसी के सीध में सीधा लाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एल कंप्लीट हो जाएगा। जब हम 90 पर देखेंगे तो आपको कर्व नहीं दिखेगा, ठीक है, एक आयत दिखेगा, एक आयत दिखेगा, तो आपका ए एल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इधर से देखेंगे तो देखिए आपको एक लाइन दिखेगी, कितने डिस्टेंस पर, ठीक, 15 और 25, 5 5 10, ठीक, 30 और 40, 40 पर आपको क्या दिखेगी लाइन, ए बीस 40 पर एक लाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ओके, 40 पर आपको एक लाइन दिख जाएगी। अब इधर से देखेंगे तो देखिए आपको पूरा एक यहाँ पर ऊपर आयत बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा आयत, ठीक है, पूरा टोटल जितना डिस्टेंस बचा है आपका पूरा का पूरा, ठीक, इसको टेक ओवर कर लेंगे, टोटल 60, यानी 15 छोड़े पर जो बची की लाइन जो भी हो, नीचे आ जाएंगे हम कितना, 35, तो 35 देखिए आपका यही है, ठीक, इसी के सीध में हम क्या करेंगे, एक लाइन सीधा ले लेंगे और इस लाइन को हम मिला देंगे। तो देखिए आपको एक आयत यहाँ दिख रहा है, एक आयत यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो हमको दो आयत दिख गए, इसी के सीध में रहेगा, ठीक है, इसी के सीध में, तो मैं एक दो आयत यहाँ पर दिख गया। तो इस तरीके से मेरा साइड व्यू कन्फर्म हो गया। अब आइए हम इस ड्राइंग की क्या कर देते हैं, डायमेंशनिंग, ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इस ड्राइंग की हम डायमेंशनिंग कर देंगे। डायमेंशनिंग देखिए, डायमेंशनिंग कैसे किया जाए, आपको पता है कि स्टेंसल लाइन खींच देंगे, स्टेंसल लाइन खींच देंगे, ठीक, यहाँ से ए आपको 60 दिया है, कितना दिया है, 60 mm, ठीक, और देखिए यहाँ से इस पॉइंट तक दिया है, ए साइज नहीं दिया है, ठीक है, ए साइज नहीं दिया है, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ओ भी साइज मिल जाएगी, ठीक है, और ए आपकी टोटल साइज 60 दिया है। इस तरीके से मेरा यहाँ पर साइज हो गया। अब इसकी साइज शो कर देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए ए आपका कितने का है, 15 का, तो 15 राइट कर देंगे, ओके, ए वाली साइज कितनी की आपकी, 35, ठीक, ए कितने की साइज है आपकी, 30, ओके। अब यहाँ पर दिखा दीजिए इसी की साइज, ए कितने कितने पर है, ए आपका 15 पर है, ठीक, फिर ए 25 पर है, टोटल चौड़ाई 60 है, कितना बचेगा आपका, 20 mm बचेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर भी इसकी साइज दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह साइज ये वाला आपका हो गया है, यहाँ से हम इसकी साइज ले लेंगे, हमारे पास जगह नहीं था, नहीं तो हम इसको यहीं पे दिखाते, ठीक है, तो यहाँ से इसकी साइज हो जाएगी, नहीं तो आप दिखा दीजिए यहीं पर, ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर वाला कितने का है, 15 का। अब बच्चा ए, ठीक, ए आपका 15 हो गया, बच्चा ए वाला पार्ट, ठीक, और ए वाला पार्ट, यानी टोटल आपका 60 है, 60 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, ठीक, 45, यानी ये आपका 40। देखिए यहाँ पर इसकी साइज हो गई,
अब हमारा बच्चा दो ठो कर्व, एक यहाँ कर्व है एक यहाँ कर्व है, तो देखिए इस कर्व की साइज यहीं पर दिखा देंगे, इसकी साइज कितना है 45, 45 mm, और रेडियस है, और यहाँ पर इसकी साइज दिखा देंगे ये कितना रेडियस 15 की, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इस ड्राइंग का साइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमेशा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।